हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 69 ट्यूलिप वाइट सोसाइटी में रहने वाले आरव भट्ट और आरुष भट्ट ने जेई की परीक्षा में टॉप करके अपने परिजनों के साथ साथ गुरुग्राम का भी नाम रोशन किया है। और इस परीक्षा में आरव ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है, जबकि आरुष ने 5,607 रैंक हासिल किया। और दोनों बच्चों की इस उपलब्धि से माता पिता और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिलहाल दोनों एडवांस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं आपको फाइनली उसका फल मिलता है, और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक सबको मिलता तो अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी और की तरफ से क्या सहयोग मिला? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। मुझे याद है हमारी हर दिन 4 बजे से उठ के चार्टर रूम में आती थी, पापा जी हमें लेने आते थे कोचिंग से, 2 साल चला। बाकी प्रिपरेशन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊंगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की तैयारी करेंगे, 26 मई को है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी अच्छा जाए। हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है, तो सर्टनली भाई के कुछ टॉपिक्स हमें से ज़्यादा बेहतर थे, तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट नंबर कम आए तो मैं भाई से हमेशा पूछ। तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि सभी को ही है, मुझे क्या मतलब, हमारे सारे फैमिली सारे रिलेटिव्स, इवन जो लोग सिर्फ जानते हैं उनके लिए भी है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए तो हिस्ट्री है, क्योंकि एक बच्चा ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, आप सोचते हो कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और आज से नहीं, बचपन से ही बहुत अच्छे, बहुत फोकस्ड।